लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा ड्राइवरों के लिए, क्या गलत है? गलत है क्या? यही 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री लगा करके रोबोट बनाएंगे, रोबोट गाड़ी चलाएगा, ड्राइवर की कोई जरूरत देश के लिए नहीं। अगर 5 लाख रुपए देकर मोदी जी सबको रोबोट उठवा देंगे तो वोट भी फिर रोबोट से ही ले ले, आदमी काम है नहीं। वोट वोट दे या न दे यार, एबीएम है हमारा, वो अपने आप वोट आ जाए। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसी को ठोक दिया, मार डाला उसको, तो मैं क्या कुछ हो जाएगी, तब क्या करोगे आप? गरीब ड्राइवर है, मजदूर ड्राइवर है, उनका क्या होगा भैया, ये बताओ। उनके लिए प्रधानमंत्री जी रिक्शा बंटवा देंगे, रिक्शा चलाए। अच्छा, जो रिक्शा चलाएगा वो ड्राइवर नहीं है क्या? कानून किस लिए बनाया जाता? आदमियों के लिए बनाया जाता। अगर डर नहीं होगा, आज सऊदीया में डर है तभी तो वहाँ की चोरी करेंगे, हाथ काट दिया जाएगा। इस देश में गरीब की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। एक कानून आया है ड्राइवरों के लिए, अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना देना पड़ जाएगा। ये कानून आया है और इस कानून की जो धाराएं हैं उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको बहुत ही दीनहीन दृष्टि से देखिए, आप नहीं, हम सभी को देखने का ये दायित्व बनता है, क्योंकि ड्राइवर कोई पर्सनल ड्राइवर नहीं। आप भी अपनी गाड़ी से अगर जा रहे हैं, कोई दारू पी के आ जाए आपकी गाड़ी के आगे लड़ जाए, तो आप भी उसी सजा के प्रावधान में आ रहे हैं कि 5 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा और 10 साल की सजा। और दूसरा बिंदु ये है कि आप अगर गाड़ी रोक के उसको उठा के हॉस्पिटल या चौकी पहुंचा रहे हैं, तो आप पहली चीज अगर गाड़ी वहां रोकेंगे उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पब्लिक इतना जूते लातों से आपकी सेवा कर देगी, गलती आपकी हो या ना हो। हाँ। अरे इससे तो कम से कम दुर्घटना कम हो जाएगा, इस हिसाब से कानून बनाया गया होगा। आप वाहन चलाते हैं तो आप क्या ये सोच के चलाते हैं कि हमको दुर्घटना करनी है? आप सही से चल रहे हैं ना, लेकिन दूसरा नहीं सही। आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं, सबको दिक्कत होनी चाहिए, आपको भी दिक्कत होनी चाहिए, हमको भी होनी चाहिए। ये जो 5 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा ड्राइवरों के लिए, क्या गलत है? गलत है क्या इसमें? बिल्कुल गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, और ये चीज हमारे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो खाली कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ये कानून लाए हैं कि 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 साल की सजा पहले दो। तो इसमें प्रधानमंत्री और जो है गृह मंत्री का कोई दोष नहीं है। फिर किसका है? अब रह गया बात ड्राइवर की। ड्राइवर कोई भी गाड़ी मत चलाए, जहाँ बाप पे है वहीं पे गाड़ी छोड़ दें। तो ट्राई की बात कर रहे हैं। 5 लाख रुपया खर्चा करके रोबोट प्रधानमंत्री जी कल भिजवा देंगे। रोबोट? और जो ट्रेन में मोदी जी जो ट्रक में सेंसर लगाए गए हैं रेलवे में, डिब्बे में, वो इंजन में, वही सेंसर ट्रक में लगा दिया जाएगा। एक्सीडेंट होगा ही नहीं, गाड़ी खूब चलेगी धकाधक। जो गरीब ड्राइवर है, मजदूर ड्राइवर है, उनका क्या होगा भैया, ये बताओ। वो 5 लाख दे पाएंगे? उनके लिए प्रधानमंत्री जी रिक्शा बंटवा देंगे, रिक्शा चलाए। अच्छा, जो रिक्शा चलाएगा वो ड्राइवर नहीं है क्या? वो भी तो ड्राइवर है, श्रेणी में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। और अगर 5 लाख रुपए देकर मोदी जी सबको रोबोट उठवा देंगे, तो वोट भी फिर रोबोट से ही ले ले, आदमी काम है नहीं। तो आप लोग कहाँ वोट देते हो प्रधानमंत्री को? सबसे ज्यादा वोटिंग करते हैं। एबीएम जब तक है तब तक तुम्हारी वोट की आवश्यकता नहीं, जितने ड्राइवर हो कोई जरूरत नहीं। एबीएम अपने आप की जरूरत नहीं है क्या? ड्राइवरों की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ड्राइवर के ऊपर नहीं होगा, डाकू के ऊपर नहीं होगा, चोर के ऊपर नहीं, किस पे होगा? कानून किस लिए बनाया जाता? आदमियों के लिए बनाया जाता। अगर डर नहीं होगा, आज सऊदीया में डर है तभी तो वहाँ की चोरी करेंगे, हाथ काट दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बहस कुछ ज्यादा हो गया है, ड्राइवरों पर हम चर्चा कर रहे थे, अब ड्राइवर क्या सोचते हैं, धरातल पर जाएंगे और डायरेक्ट जनता से बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज जनता कहन के साथ।